नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके YouTube चैनल एग्री BHU1 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्राउन प्लांट हॉपर की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर की बात करें तो ये राइस का बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग काज करने वाला पेस्ट है। इसकी साइंटिफिक नेम की बात करें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है नीला पारवाटा ल्यूगेंस। फैमिली की बात करें तो इसका है फैमिली डेल्फिसिडेई, और ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर है हेमिप्टेरा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस पेस्ट की सबसे बड़ी एक खास बात यह है कि अगर इसको फेवरेबल कंडीशन अगर मिले तो ये जो है 100% क्रॉप को जो है लॉस करता है। यही एक सिंगल पेस्ट है जिसके वजह से क्रॉप जो है 100% लॉस हो जाती है। अब बात करें इसके लाइफ साइकिल की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका एक जो है इलांगेटेड होता है, साथ ही साथ सिगार शेप्ड का होता है, जिसको बनने में जो है 7 to 9 days लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करें इसकी सेकेंड स्टेज की, तो सेकेंड स्टेज है इसका यंग नीम्फ। नीम्फ को बनने में लगभग जो है 15 to 20 days लगता है। इसकी लेंथ की बात करें तो 0.7 mm इसका लेंथ होता है। बात करें इसके एडल्ट की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसका एडल्ट जो है ब्राउन कलर का होता है, 4 to 5 mm लॉन्ग होता है। येलोइश ब्राउन टू डार्क ब्राउन इसकी बॉडी होती है। दो टाइप की ये इंसेक्ट पाए जाते हैं, एक होता है माइक्रोप्टेरस जो कि फुल्ली विंग्ड फॉर्म होता है, और सेकेंड है ब्रेचिप्टेरस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि शॉर्ट बीफ फॉर्म होता है। अब बात करें इसके बेसिक डिफरेंस की, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, माइक्रोप्टेरस की बात करें तो इसका विंग जो है वेल डेवलप होता है, और ब्रेचिप्टेरस की बात करें तो इसका जो है पुअरली डेवलप विंग होता है। माइक्रोप्टेरस की बात करें तो इसका एब्डोमेन स्मॉलर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और ब्रेचिप्टेरस की बात करें तो इसका जो है एब्डोमेन लार्जर होता है। बात करें इसके, ये जो है माइक्रोप्टेरस जो है कॉलोनीज बनाकर फील्ड में रहता है, और ब्रेचिप्टेरस की बात करें तो ये उड़ नहीं सकता, और साथ ही साथ ये एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है इरिगेशन वाटर के द्वारा जो है मूव करता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसके डोमिनेंट स्टेज की बात करें, तो इसका डोमिनेंट है डोमिनेंट स्टेज है पोस्ट फ्लावरिंग स्टेज, और इसका है डोमिनेंट है प्री फ्लावरिंग स्टेज। इसका बेसिक डिफरेंस है। अब बात करते हैं इसकी एग लेइंग कैपेसिटी की, तो जो है इसका एग लेइंग कैपेसिटी जो है लेस होता है, और ब्रेचिप्टेरस का जो है एग लेइंग कैपेसिटी मोर होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके नेचर एंड सिम्टम्स ऑफ डैमेज की, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो स्टेज जो है किस किस स्टेज पे जो है ये अटैक करता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ईयरली ग्रोथ स्टेज पे जो है ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ईयरली में ही इसका डैमेज जो है कॉज करे। ये किसी भी स्टेज में जो है इन्फेक्शन अपना कर सकता है। क्रॉप में जो है अधिकतर इमेज है उस फ्लावरिंग स्टेज पे जो है ये ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। अब डैमेजिंग स्टेज की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका डैमेजिंग स्टेज है एडल्ट हो गया और निम्फ है। नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसके नीम्फ और एडल्ट जो है प्लांट के बेस पे जो है डैमेज करके एक हॉपर बर्न नामक जो है एक सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये ज़्यादातर जो है अक्टूबर नवंबर और जनवरी फरवरी के महीने में ज़्यादा जो है ये पेस्ट बहुत ज़्यादा गर्मियों के दिनों में जो है बहुत ज़्यादा सर्वेयर डैमेज कॉज करता है, और साथ ही साथ इसमें जो है ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगा तो उस समय जो है ये ज़्यादा लॉस कॉज करता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ आपको कुछ जो है हॉपर बर्न की जो है कुछ सिम्टम्स आपको यहाँ इस प्लांट में दिखाना चाहेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, यहाँ प्लांट जो है हॉपर बर्न की वजह से जो है सूख रहा है, देख सकते हैं आप, हैं यहाँ देख सकते हैं। हॉपर बर्न जो है बहुत ज़्यादा पेनिकल इनिशिएशन स्टेज पे और मैच्योरिटी स्टेज पे जो है बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सर्कुलर ड्राई पैचेस है और यहाँ कम्प्लीटली डिसेब्स प्लांट है, देख सकते हैं आप, हैं यहाँ भी देखिए। और इस इंसेक्ट की बात करें तो ये जानते हैं, ये जो है इंसेक्ट एक प्रकार का एक वायरल डिजीज़ भी ट्रांसमिट करता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिसका नाम है ग्रेजी स्टेंट वायरस डिजीज़।
ये वेक्टर जो है वायरल डिजीज़ का भी एक कारण है, जो कि ग्रेजिस्टेंट नामक वायरस डिजीज़ को जो है कॉज करता है। बात करें इसके मैनेजमेंट की, तो पहला इसका मैनेजमेंट है कि क्लोज़र स्पेसिंग को जो है एवॉइड करना चाहिए। बात करें सेकेंड मैनेजमेंट की, तो अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग को जो है फॉलो करना चाहिए फील्ड में, ड्यूरिंग जब बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन जो है ज़्यादा बढ़ा हो, तो उस दौरान जो अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग को जो है फील्ड में फॉलो करना चाहिए। और साथ ही साथ खड़ी फसलों में जो है फील्ड को 2 से 3 बार जो है ड्रेनिंग करना चाहिए, उसमें वाटर को जो है बाहर निकालना चाहिए, जिससे कि जो है ज़्यादा डैमेज कॉज ना हो। और साथ ही साथ कुछ ग्रो रेसिस्टेंट वैराइटीज़ को भी ग्रो करना चाहिए, जैसे आपको यहाँ देख सकते हैं IR 26 है, IR 36 है, IR 56 है, IR 72 है। और इस प्रकार जो है कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ रेसिस्टेंट वैराइटीज़ दी हुई हैं, इनको आप ग्रो कर सकते हैं। और बात करें इंसेक्टिसाइड की, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंसेक्टिसाइड जो है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जब प्रे करना चाहिए 100 ml जो है इमिडाक्लोरोपीड, या 625 g जो है कार्बारिल WP वेटेबल पाउडर, या 2 L जो है क्विनॉल फॉस 25 PC जो है यूज़ करना चाहिए इन 250 ml वाटर में, और जिसकी वजह से जो है इसकी पॉपुलेशन जो है कम हो जाती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है पहला क्वेश्चन है कि एक्ट्स एज अ वेक्टर रेज्ड स्टंट एंड विल्टेड स्टंट, कौन सा वेक्टर है जो रेज्ड स्टंट एंड विल्टेड स्टंट को जो है कॉज करता है। ऑप्शन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है निफोटैटिक्स निग्रोपिक्टस, सेकेंड स्कनारा मैकुली फ्रॉन्स, थर्ड इज नीला पर्वता ल्यूगेंस, फोर्थ इज कोफाना स्पेक्ट्रा। इसका राइट आंसर है नीला पर्वता ल्यूगेंस, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है एक्ट्स एज अ वेक्टर फॉर ट्रांजिटरी येलोइंग डिजीज, ऑप्शन फर्स्ट निफोटैटिक्स निग्रोपिक्टस, सेकेंड कोफाना स्पेक्ट्रा, थर्ड ओरिसियोलिया ओराइजी, फोर्थ इज नीला पर्वता ल्यूगेंस। इसका राइट आंसर है नीला पर्वता ल्यूगेंस। बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉपर बर्न इज द सिम्टम्स ऑफ पेस्ट इन राइस, फर्स्ट ऑप्शन निफोटैटिक्स निग्रोपिक्टस, सेकेंड इज सोगाटेला फुर्सीफेरा, थर्ड इज नीला पर्वता ल्यूगेंस, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ एबव। इसका राइट आंसर है दोस्तों नीला पर्वता ल्यूगेंस, इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, तो यहाँ देख सकते हैं आप हैं क्वेश्चन नंबर फोर में है कि अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इज़ अ गुड मैनेजमेंट टेक्निक फॉर कंट्रोलिंग। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ब्राउन लीफ हॉपर या ब्राउन प्लांट हॉपर, सेकेंड इज ग्रीन लीफ हॉपर, थर्ड इज वाइट ब्राउन प्लांट हॉपर, एंड फोर्थ इज ब्राउन प्लांट हॉपर। इसका राइट आंसर है ब्राउन प्लांट हॉपर, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इसका राइट आंसर है ब्राउन प्लांट हॉपर। तो आई होप, ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है।